और कभी कभी गाने का मजमून सिर्फ दिल की तफरी और बहलावे के लिए होता है, मुबाह होता है, उसमें न तो कुफ्र शिर्क का कोई मजमून होता है और न ही हराम और गुनाह का कोई मजमून होता है, तो उसको पढ़ना सुनना ये मुबाह है। ये तीन दर्जे हैं। तो अगर वो गाना ऐसा है कि उसका मजमून मुबाह हो तो उसका सुनना मुबाह है, उससे आपके निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा हजरत, ये मुबाह नहीं समझा मुझे। अच्छा, मुबाह का मतलब जिसका सुनना जायज व दुरुस्त हो। अच्छा हाँ, कोई हर्ज नहीं उसको। हाँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है जी। गाने सुनना कैसा है, अगर मना है तो किस वजह से? नाजायज हराम है। ना तेरी ट्रेन चल पाएगी ना तस्वीर देखी का, ना तेरी ट्रेन चल पाएगी ना तस्वीर देखी का, न गाना होगा जा जिस सुन सुन तेरे जा जिस करारे से, न गाना जा जिस होगा सुन तेरे जा जिस करारे तेरे जा जिस बताने से, ये बरमेल तेरे।